हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। जी हां दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ब्रीजा का रोड टैक्स, जी हां दोस्तों सीएनजी वेरिएंट का, और पूरा डिटेल से जानेंगे ये कार कितनी बेहतर है आपकी पेट्रोल के मुकाबले, सीएनजी में कितनी माइलेज देती है और कैसा कम्फर्ट आपको मिल पाता है, और क्या माइलेज देती है वो भी कैलकुलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सीएनजी वेरिएंट ही है, ये इसका एलेक्साई वेरिएंट है, तो ये सीएनजी वेरिएंट है। हम इसको चलाने वाले हैं, लगभग 40 किलोमीटर तक हम इस कार को चलाएंगे, और मैं आपको इसकी रीडिंग भी दिखा देता हूँ कितनी रीडिंग है इसकी अभी। तो लगभग ये 16 किलोमीटर बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, और इसमें सीएनजी लगभग अभी पूरी की पूरी फुल है, दो लेवल ही कम है, और पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोल हमने लिया भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 2 लीटर के आसपास का ही पेट्रोल है। बाकी रोड पर टेस्ट ड्राइव करते हैं, चलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी एज यूजल मारुति की जैसी सभी कारें स्टार्ट होती हैं, इनिशियली पेट्रोल पे स्टार्ट होती हैं, उसके बाद वो सीएनजी पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे ब्रीजा एलेक्साई के साथ में हुआ। मैंने गाड़ी को स्टार्ट पेट्रोल वर्जन पे किया और विद इन 15 से 20 सेकंड के अंदर कार ऑटोमेटिकली सीएनजी मोड पे स्विच हो गई। अब बात करते हैं गाड़ी की पावर और इनिशियली स्टार्ट के बारे में। तो गाड़ी में जो इनिशियली पावर थी वो पेट्रोल से मुझे मिली थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट गाड़ी अब धीरे धीरे रन करने लगी है तो मुझे अब थोड़ा बिल्कुल भी माइनर सा फील नहीं हो रहा कि गाड़ी मैं भी पेट्रोल पे चला रहा हूँ या सीएनजी पे चला रहा हूँ। सेम वही पावर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है कार, और किसी भी तरीके का कोई लैग मुझे यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है, और ना ही किसी तरीके का लैग मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि गाड़ी में किसी तरीके का मुझे किसी तरीके का नॉर्मल आपको लगे कि सीएनजी और पेट्रोल पे कोई फर्क पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, आप बेसिक मॉडल है, एलेक्साई वर्जन है, तो इसमें बेसिक चीज़ें ही आपको अवेलेबल होती हैं। कार के अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, इवन सिर्फ म्यूजिक स्टीरियो को छोड़ के, और अभी देखेंगे सबसे अच्छी बात है इसका जो मीटर के अंदर जो डिजिटली दिखाता है कि आपका गियर पोजिशन क्या है या गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो है वो कैसे काम करता है, आपको कब गियर बढ़ाना है कब गियर घटाना है, वो पूरा का पूरा आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पर देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि अभी हम रेड लाइट पर रुके हैं तो इंजन की जो साइलेंट आवाज़ है वो बिल्कुल लोएस्ट है, यानी कि बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। अभी तक दोस्तों गाड़ी को हमने सिर्फ शहर की भीड़भाड़ में ही चलाना स्टार्ट किया था, अब हम गाड़ी को लेकर चल रहे हैं हाईवे पे। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी की स्पीड हम लगभग 80 के आसपास रखेंगे ताकि गाड़ी फ्यूल एफिशिएंस बनी रहे और जितनी मुझे माइलेज की रिक्वायरमेंट है वो माइलेज मुझे इजीली मिल जाए। सीएनजी मॉडल है तो स्टिकर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं सीएनजी कार ही चला रहा हूँ, और ये बेस मॉडल है तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है तो उसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं अवेलेबल है। बाकी दोस्तों बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, गाड़ी का सोकर सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मुझे फील भी नहीं हो रहा कि मैं एक सिलेंडर लगी हुई कार को ड्राइव कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल एकदम बेसिक सी ड्राइविंग अभी मैं कर पा रहा हूँ, और किसी तरीके का नॉइस गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये टिल्ट स्टीयरिंग भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आउटसाइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्ड मिल जाते हैं आपको, तो अंदर से बैठे बैठे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कार की स्पीड जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो सीएनजी पे ही कार मेरी अभी रन करी है, और किसी भी तरीके का कोई लैग मुझे देखने के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है, यानी कि मैं मान सकता हूँ जो कार की सीएनजी रनिंग है वो बहुत बेहतर होने वाली है, और जो इंजन की नॉइस है वो तो इतनी साइलेंट है कि मैं खुद की आवाज़ भी महसूस कर पा रहा हूँ कि गाड़ी के इंजन के अंदर जो एनवीएच लेवल है वो बहुत लोएस्ट है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के जो सोकर सस्पेंस है वो बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, और गाड़ी की जो वेट है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करके सोकर सस्पेंस को रीट्यून किया गया है ताकि सिलेंडर का वेट उठा सके, सवारी का वजन भी आसानी से उठा सके। बाकी जितनी स्पीड पर भी कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल ड्राइविंग मुझे मिल रही है, और किसी भी तरीके का कोई लैग मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब बात करेंगे कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है, वो माइलेज जो है वो कितना मिल पाएगा हमें इस कार के साथ में, वो बहुत बड़ा मैटर करेगा, इसीलिए हमने कार को सोचा कि लगभग हम 40 किलोमीटर तक ड्राइव करें। इसके अलावा जो कार का बेसिक मॉडल है ये एलेक्साई वेरिएंट है, हालांकि ये सारे फीचर्स आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाते हैं, सिर्फ एक बेसिक फीचर आपको इसके अंदर नहीं मिलता, म्यूजिक स्टीरियो आपको एड ऑन करना पड़ता है। बाकी ये कार फुल वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी का जो ट्रेंडिंग्स है, स्टीयरिंग काम कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी काम कर रही है वेट होने के बावजूद भी, वो काबिले तारीफ है क्योंकि काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग मुझे मिल पा रही है अभी यहाँ पर इस कार के साथ में। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा ओवरटेकिंग करके देखते हैं, क्योंकि पता लगाते हैं कि जो पावर चेंज हुई है, क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल की पावर में बहुत माइनर सा फ़र्क आता है, तो उसी को थोड़ा सा ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जो नई टॉर्क जो जनरेट करती है, पावर जनरेट करती है,
एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल वो थोड़ा सा डिफर करती है, क्योंकि ये पेट्रोल में कार अगर मैं बात करूँ तो सीएनजी के साथ में लगभग 88 पीएस की पावर जनरेट करती है, वहीं इसकी अगर बात करें टोक की तो 121.5 का टोक जनरेट करता है। तो यानी कि गाड़ी ओवरटेकिंग में भी मुझे सीएनजी के मॉडल के साथ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिल रही है और मैं बहुत ईजिली इसको ड्राइव कर रहा हूँ। हालांकि ये जो हाईवे अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ओपन है, कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, बट ओवरटेकिंग का मज़ा बिल्कुल ईजिली मुझे मिल पा रहा है सीएनजी वजन के साथ में भी। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं हाईवे ड्राइविंग कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार सिटी ड्राइविंग में भी सीएनजी का जो विटेज है, मतलब गाड़ी चलाने में कैसी है ड्राइविंग कंडीशन पे सिटी के अंदर, वो भी एक बार कोशिश करते हैं। बाकी अभी हाईवे पे ड्राइविंग मेरी ख़त्म होने वाली है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिटी ड्राइविंग में एक बार एड ऑन कर लूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप देख सकें सिटी ड्राइविंग में सीएनजी किस तरीके से परफॉर्मेंस दे पाती है। तो चलिए दोस्तों अब सिटी ड्राइविंग कंडीशन भी एक बार करके देख लेते हैं। अभी मैं दूसरे हाईवे पे गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक एज नॉर्मल यूजुअल रोड पे थोड़ा ट्रैफिक है, कभी खुला है रोड पे ट्रैफिक है कभी खुला है, तो इसके कंडीशन का ट्रैफिक मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो गाड़ी की स्पीड भी मैं नॉर्मल मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी को भी बना के रखने के लिए आपको गाड़ी की स्पीड 80 और 60 के बीच की रखनी पड़ती है। और हालांकि सेफ्टी पर्पस भी है, क्योंकि दो बीप अलर्ट आने लगते हैं अगर आप गाड़ी को 80 से बाद में ओवरटेकिंग करते हैं उसके बाद में चलाते हैं। तो सिटी ड्राइविंग कंडीशन पे अगर कार को चला रहा हूँ तो अभी कार सीएनजी पे ही रन कर रही है और किसी भी तरीके का कोई हैसल मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी चलाने में। हालांकि अभी सीएनजी का जो लेवल है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है, अभी गाड़ी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और 20 किलोमीटर चलने के बाद भी जो गाड़ी की सीएनजी का जो लेवल है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है, यानी कि जो सीएनजी की माइलेज है वो भी मुझे लगता है मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। बाकी ओवर स्पीडिंग ओवरटेकिंग करने पे पता लगता है, क्योंकि जब आप नॉर्मल कंडीशन ड्राइव करते हैं तो तभी आपको महसूस हो पाता है कि आप किस तरीके का माइलेज निकाल पाते हैं, क्योंकि एज पर कंपनी क्लेम तो लगभग 25.5 किलोमीटर का माइलेज यहाँ क्लेम कर रही है। बाकी ये कार कितना दे पाती है वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग रोड कंडीशन पर और आप ड्राइविंग किस तरीके से कार को चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे वीडियो के एंड में कि कितना माइलेज इस कार से हम निकाल पाए हैं। अभी भीड़ भाड़ है तो ट्रैफिक कंडीशन आप देख सकते हैं, तो ट्रैफिक कंडीशन पे भी ड्राइविंग करने पे मुझे किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अभी मैं यहाँ पे सोकर सस्पेंशन का टेस्ट भी कर रहा हूँ तो गाड़ी के जो सोकर सस्पेंशन है वो रियली बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत बढ़िया से काम करते हैं और किसी भी तरीके की कोई हैसल या कोई आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नई कार में चला रहा हूँ तो इससे ज़्यादा अंदाज़ा लग जाता है कि गाड़ी का जो ड्राइविंग कंडीशन है वो किस तरीके का आपको मिल पाता है। बाकी सोकर सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो रेली बेस्ड सस्पेंशन इसके अंदर यूज़ किए हैं मारुति ने उनका काम वाकई में काबिले तारीफ़ है, क्योंकि सीएनजी का बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रहे कि गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर भी पीछे रखा हुआ है जो काफ़ी वजन का है और गाड़ी चलाने में काफ़ी स्मूथ फील हो रही है और जो स्मूथनेस है वो बिल्कुल साइलेंट है, इंजन बिल्कुल नॉइसी नहीं है, किसी भी तरीके का इंजन से कोई आवाज़ कोई किसी तरीके का हार्नेस कोई भी मुझे फील नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों ड्राइविंग करते टाइम अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते रहिए, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने। हालांकि अभी तो कुछ नए सेफ्टी नॉर्म्स भी आ गए हैं, आप गाड़ी के अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपको 80 पे दो बीप अलर्ट आते हैं और 120 क्रॉस करने के बाद आपको कंटिन्यूस बीप अलर्ट भी आते हैं। बाकी दोस्तों अभी भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी गाड़ी में काफ़ी किलोमीटर तक चला चुका हूँ और अभी और भी किलोमीटर हम गाड़ी को रन करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो में ताकि हम आपको वीडियो के एंड में बता सकें कि एवरेज माइलेज हम कितना इस कार के साथ में निकाल पाएँ और आप कितना निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो का एंड आ चुका है हमारा, हम वीडियो का एंड करने वाले हैं और गाड़ी को लगभग हम अभी तक 40 किलोमीटर के आसपास या 38 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को चला चुके हैं। सीएनजी का लेवल आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही लेवल अभी 40 किलोमीटर सीएनजी के अंदर कम हुआ है और पेट्रोल हालांकि कार के अंदर नहीं अवेलेबल था बिल्कुल भी, तो पेट्रोल की तो कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन करके चलूँ तो 40 किलोमीटर में अगर मेरा एक लेवल कम हो रहा है तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की सीएनजी हमने अभी 2 किलोमीटर 2 किलो सीएनजी अभी तक हमने यूज़ कर ली है मोटा
छोटा अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हालांकि 2 किलो नहीं है, 2 किलो से थोड़ा सा कमी सीएनजी हमने यूज़ किया, तो अंदाजा ना आप लगा सकते हैं कि ये कार अब आपको एवरेज भी बहुत बढ़िया देगी। और एवरेज के साथ साथ आपको ये 3 वेरियंट के अंदर अवेलेबल होने वाली है, LXi, VXi, ZXi, और तीनों ही वेरियंट वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कस्टमाइजेशन, अपनी चॉइस का स्टीरियो लगाना चाहते हैं, तो आप बेस मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ फीचर्स अवेलेबल हो, तो आप VXi मॉडल पे मूव ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको बेस टॉप मॉडल में आपको सारे फीचर्स मिले, सनरूफ मिले, सारी चीज़ें मिले, तो आप ZXi मॉडल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये कार बहुत बेहतर है, आप इसको बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। मोटा मोटा भी अंदाजा अगर हम लगा के चले तो लगभग 22-23 किलोमीटर पर किलोग्राम का सीएनजी पे इस कार ने एवरेज क्लेम किया है। हालांकि मैंने एसी भी ऑन करके रखा था, स्पीड मैंने एसी की ऑन 1 पे ही रखी है, उसके बावजूद अगर ये इतना अच्छा एवरेज दे पा रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है।